मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी में कहीं ना कहीं गड्ढा है और उसे दुरुस्त करें, नहीं तो 2 से 2.5 लाख में अटक कर सटक जाएंगे। भागलपुर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। भागलपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस नेता अजीत शर्मा की सीधी टक्कर एनडीए प्रत्याशी जेडीयू नेता अजय मंडल से है। चुनाव को लेकर के भागलपुर में सभी प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर से जुटे पार्टी नेताओं की बैठक हो रही थी और इसी बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने माइक अपने हाथों में ले लिया और पार्टी के प्रति जो उनकी नाराजगी थी वो निकालने लगे। गोपाल मंडल ने कहा कि भागलपुर से अजय मंडल 4 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस रास्ते में कई गड्ढे हैं और इसके चलते स्थिति तनावपूर्ण भी हो सकती है, कई जगह स्थिति विरोध की भी है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें हाँकने से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। मैं पार्टी के प्रति विरोध नहीं करता हूं, लेकिन गोपाल मंडल के प्रति कई नेता चोरी चुपके विरोध करते नजर आ रहे हैं। गोपालपुर लीड करेगी इसमें दो मंत्री और वोट बढ़िया से मांगे, करीब करीब हम समझते 7-8 रोज है, अब ये से बूथ तैयार करे और जगह जगह पहुंचाने का काम करे। मैं विरोध में भाषण देता हूँ, मंत्री जी को लगा क्या क्या बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, इनके कमजोरी को मैं प्रकट कर रहा हूँ। अब की बार में हमको पूछने का काम नहीं किया, हम प्रचार नहीं करते, सम्मानित लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। सभी कार्यकर्ता से आग्रह है, जमकर संगठन पर ध्यान दीजिए और प्रहलाद जी बोले उस लाइन पर चलिए। पत्रकार महोदय, ऐसा कोई शब्द नहीं हमारा छापेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम, मैं सही बात बोला। अभी समय है, इतना आदमी दौड़ जाइएगा ना तो ठीक 4 लाख पड़ जाएगा।